दोस्तों वेलकम बैक टू द चैनल द रेल यात्री। हमारे भारतीय रेलवे में फिर से एक हादसा हुआ है जहां पर ट्रेन में आग लग गई है। लगभग 10 लोगों की मौत हो गई है और 20 लोग घायल हो गए हैं। लखनऊ से चेन्नई धार्मिक यात्रा पर बीते 17 अगस्त को रवाना हुई ट्रेन में शनिवार सुबह 5 बजे मदुरई यार्ड में आग लग गई। सीतापुर के टूर एंड ट्रैवल की ओर से IRCTC से कोच बुक कराया गया था। यह कोच 17 अगस्त को लखनऊ चेन्नई एक्सप्रेस में लगकर रामेश्वरम यात्रा के लिए रवाना हुई थी। इस कोच की वापसी 28 अगस्त को होनी थी। बताया जा रहा है कि मदुरई यार्ड में खड़े कोच में चाय बनाने के दौरान छोटा सिलेंडर फटने से आग लग गई, जिसमें उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी और लखनऊ के मिलाकर कुल 8 पर्यटकों की मौत की सूचना मिल रही है। ये कैसे हुआ वो मैं आपको बता देता हूँ। दरअसल टूर्स एंड ट्रैवल्स वाली बड़ी कंपनियाँ जिनके पास बहुत अच्छे क्लाइंट्स होते हैं, वो लोग IRCTC से डायरेक्ट कांटेक्ट करके पूरा का पूरा कोच बुक कर लेते हैं और फिर अपने जो उनके क्लाइंट होते हैं उन लोगों को धार्मिक यात्राओं पर या फिर टूरिस्ट ट्रेन बनाकर भेजते हैं। ऐसे में होता ये है कि सारी जिम्मेदारी उस ट्रैवल एजेंट या फिर उस एजेंसी की होती है। वही खाने पीने की व्यवस्था करता है, वही सभी पर्यटकों को घुमाता है। IRCTC और रेलवे जितनी भी व्यवस्थाएं करता है टाइम टेबल ट्रेन की, उसके चार्जेस उन लोगों से वसूल लिए जाते हैं। यहाँ पर भी घटना कुछ ऐसे ही हुई है। सीतापुर के एक टूर्स एंड ट्रैवल कंपनी ने एक कोच बुक किया था जिसको रामेश्वरम जाना था और बहुत सारे पर्यटकों को लेकर वो लोग जा रहे थे। अब ये कोच मदुरई के यार्ड में खड़ा था जहाँ पर चाय बनाने के दौरान सिलेंडर फटने से ट्रेन में आग लग जाती है। 10 लोग के आसपास की मृत्यु बताई जा रही है और 20 लोग घायल हुए हैं। बताया ये भी जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के CM आदित्यनाथ योगी जी ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दिए जाने के आदेश जारी कर दिए हैं। इस हादसे में कुल 10 लोगों की मौत हुई है और हादसे में 20 लोग घायल हैं। रेलवे से मिली जानकारी के अनुसार पुनरूर मदुरई एक्सप्रेस में आज सुबह 5:15 पर मदुरई यार्ड में निजी कोच में आग लगने की सूचना मिली। ठीक इसके बाद अग्निशमन सेवाओं ने पहुंचकर आग पर काबू पा लिया और अन्य डिब्बों को कोई नुकसान नहीं हुआ है। रेलवे के अनुसार आग लगने की घटना का मेन कारण यात्रियों के द्वारा छुपा कर गैस सिलेंडर ले जाने और उसके प्रयोग करने की वजह से हुई। फिलहाल दोस्तों कंट्रोल रूम राहत हेल्पलाइन नंबर उत्तर प्रदेश के जो नंबर हैं वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपके कोई परिजन या फिर कोई जानने वाले इन ट्रेनों में यात्रा कर रहे थे तो आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलता हूँ आप लोगों से किसी और नए वीडियो में किसी और नई जानकारी के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द रेल यात्री चैनल एंड कीप सपोर्टिंग।